हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। बहुत ही अच्छा वीडियो है, वीडियो बहुत ही अच्छा है। ध्यान से देखें और समझने की कोशिश जरूर करना। आज के इस समय में हम इस समय की बात कर रहे हैं, इस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज लोग यीशु मसीह के खातिर लोगों को मारते हैं, यहाँ तक कि उन्हें घर से भी बाहर निकाल देते हैं, घर से भी बाहर उन्हें निकाल देते हैं। अगर गाँव में कोई जन यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ यीशु मसीह के खातिर लोग मसीह लोगों को मारते हैं, बार करते हैं, झगड़ा करते हैं, नफरत करते हैं। यदि घर में भाई विश्वास करता है तो उसके घर वाले उसे अपने घर से बाहर कर देते हैं। अगर परिवार में बहन विश्वास करती है यीशु मसीह पर तो उसे मारते हैं, गाली देते हैं, चर्च जाने से रोकते हैं और गाली देते हैं। अगर पत्नी यीशु मसीह पर विश्वास करती है तो उसका पति उसे मारता है और गाली देता है, चर्च जाने से रोकता है, चर्च नहीं जाने देता है। मसीह लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, बोलते हैं तूने अपना धर्म बदल लिया है। बहुत सारे अन्य जाति लोग मसीही लोगों का मजाक उड़ाते हैं, चर्च जाते समय उनका मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, हंसते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशाया 66 अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते हैं अगर मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं। उन्होंने कहा है यहोवा की महिमा हो, यहोवा की महिमा बढ़े, जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उसी को लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, तुम्हारे भाई तुमसे नफरत करते हैं, मेरे नाम के कारण तुम्हें घर से अलग कर देते हैं। यीशु मसीह के खातिर सास अपनी बहू को मारती है, पीटती है। यीशु मसीह के खातिर पति अपनी पत्नी को मारता है, दारू पी के मारता है, शराब पी के मारता है, गालियां देता है, घर से अलग कर देता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है। यीशु मसीह के खातिर परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा जो लोग आपका मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, घर से निकाल देते हैं, आपसे नफरत करते हैं, बार करते हैं। एक दिन उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। आज के इस समय में सास अपनी बहू को मारती है, पीटती है, चर्च जाते समय मारती है, पीटती है, गाली देती है, चर्च जाने नहीं देती है अपने, और पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है यीशु मसीह के कारण, तलाक दे देता है यीशु मसीह के खातिर। सिर्फ लोग नफरत करते हैं, बैर करते हैं, पति अपनी पत्नी को मारता है और जबरदस्ती उससे पूजा करवाता है, मंदिर में लेकर जाता है। जब एक विश्वासी स्वर्ग उठा लिया जाएगा रैप्चर में, तो जो लोग आपको गाली देते हैं, मारते, सताते हैं, चर्च जाने से रोकते हैं, वे लोग यहाँ छूट जाएंगे। वे लोग बहुत तड़पाए जाएंगे उस समय, दाने दाने को, पानी पानी को तरस जाएंगे उस समय। उस समय उन लोगों को उस समय पानी नहीं खून पीना पड़ेगा, पानी की जगह खून पीना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा उस समय। जो लोग आज मसीही लोगों को सता रहे हैं, ये कोई खेल तमाशा या टीवी सीरियल या सिनेमा नहीं है। अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाएगा उस समय। अभी दारू पी के अपनी पत्नी को मारने में बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो चर्च जाने से रोकने में बड़ा मजा आ रहा है। तो लोग एक दूसरे को सताते हैं, वे लोग यहाँ रह जाएंगे, उनको परमेश्वर बहुत तड़पाएगा, कड़वा पानी पीना पड़ेगा उस समय। मसीह विरोधी के दिन में बाइबल बताती है जब आप लोग स्वर्ग में होंगे तब वे लोग नरक में तड़पते होंगे, चिल्लाते चीखते होंगे उस समय। जो लोग यीशु मसीह के खातिर दुख उठा रहे हैं उन्हें परमेश्वर क्या कह रहा है। यीशु मसीह का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में,
यीशु मसीह हमारे आंखों से सब आंसू पोछेगा, नए आकाश और नए यरूशलेम में जो आप आंसू बहाते हो, पृथ्वी पर मारे जाते हो, गालियां देते हैं, लोग बोझ उठाते हो, दुख उठाते हो, तो यीशु मसीह ने कहा है, मैं उनके आंखों से सब आंसू पोछ दूंगा, फिर ना मौत रहेगी, ना विलाप रहेगा, ना शोक रहेगी, ना पीड़ाएं रहेंगी, पहली बातें जाती रहेंगी। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर सब नया कर देगा, बस हम सभी को अंत तक धीरज धरे रहना है, विश्वास में बने रहना, किसी के डराने और धमकाने से यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। मेरे प्रियजनों, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास शेयर करें, आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।